बैतूल में हजारों की संख्या में जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे आदिवासियों ने शीत झरनी बांध निर्माण पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। रैली के शक्ल में जिला कलेक्टर पहुंचे हजारों आदिवासी कलेक्टर को ज्ञापन देने की जिद पर अड़े रहे। मजबूरन कलेक्टर को उनका ज्ञापन लेने आना पड़ा। ज्ञापन के माध्यम से आदिवासियों ने कलेक्टर को बताया है कि शीतलझरी बांध बनने से 8 गांवों के आदिवासियों की कृषि भूमि सहित देवस्थान डूब क्षेत्र में आ जाएंगे, जिससे गरीब आदिवासियों की आजीविका पर प्रभाव पड़ेगा। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शीतलझरी बांध नहीं बनाने का कहा था, लेकिन पिछले दिनों बैतूल के मुलताई दौरे पर आए प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा उक्त बांध का भूमि पूजन कर दिया है, जिसके विरोध में 8 गांव के हजारों आदिवासी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने को मजबूर है। वहीं कहा कि यदि डैम बनाने की जिद पर अड़ेगी सरकार तो होगा उग्र आंदोलन और चक्का जाम, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। क्या नाम है आपका? मैं पिंटू वर्कर से। क्या मांगी, क्या समस्या आ रही है इस डैम को लेकर? सर, समस्या ये है, हमारे यहाँ जो शीतलझरी और कम से कम 5-6 पंचायत में डूब क्षेत्र में जो है किसान है वो परेशान है। विगत दिनों, मतलब पिछले 2-3 सालों से वो जो डैम प्रस्तावित है, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने यह प्रस्ताव पारित किया कैबिनेट में, और वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने मुलतई में आके उनका भूमि पूजन किया। तो हम ये चाह रहे हैं कि वो जो डैम है वो निरस्त करें। सभी किसान, जितने भी जो किसान डूब क्षेत्र में आ रहे हैं, वो सभी आक्रोशित हैं। यदि डैम निरस्त नहीं होता है तो आगे तो चक्का जाम का प्रोसेस करेंगे। कितनी जमीन है जो डूब में जा रही है? तो लगभग 650 हेक्टेयर। क्या परेशानी आएगी आगे? परेशानी इनके जो आजीविका है वो समाप्त की ओर है। जो मुआवजा दे रही है सरकार जी, हमने के बारे में, उस पे भी क्या कुछ कम है, क्या लग रहा है? नहीं, मुआवजा तो हमको चाहिए नहीं सर। तो मतलब उतनी कम कीमत जो दी जा रही है, किसान क्या करेगा? जैसे अभी सिंगारजावड़ी में जो डैम है, वहाँ पर लोगों को जो मुआवजा दिए 3 लाख रुपए? मुआवजा तो बहुत कम है सर, वो लगभग 1 हेक्टेयर में 7 लाख का कुछ है। तो सबसे कम शीतलझरी जो किसानों को जमीन है उनका कम है। वो किसान तो चाह रहे हैं कि मुआवजा ना, कुछ नहीं चाह रहे है ना, वो चाह रहे हैं कि बस डैम निरस्त हो। और माननीय मुख्यमंत्री जो पिछले विधानसभा के दौरान उन्होंने बिजादे में आके ये बोला था कि आदिवासियों की जमीन डुबा कर कोई डैम नहीं बनाएंगे, वो छोटे बैराज के रूप में वो डैम बनाएंगे, बाकी किसानों की जमीन डूब में नहीं जाएगी, ये आश्वासन दिया था और वोट लेके भाग गए। क्या नाम है आपका? जी, मैं संदीप कुमार ध्रुव, जिला पंचायत सदस्य, जयस का जिला अध्यक्ष हूँ। जी, यहाँ पर अभी हाल ही में मुख्यमंत्री के द्वारा, मोहन यादव जी के द्वारा, शीतलझरी बांध के लिए राशि की स्वीकृति हुई है और उसका निर्माण कार्य अभी चालू होने वाला है। यहाँ पर समस्त ग्रामीण जो कि यहाँ उपस्थित हुए हैं, लगभग 1-2 साल पूर्व से लगातार पूर्व मुख्यमंत्री जी को, कलेक्टर महोदय जी को, सारे लोगों को ज्ञापन देते जा रहे हैं। यहाँ लगभग 1200 हेक्टेयर जमीन और जो कि 200 करोड़ से अधिक रुपए से यहाँ बहुत बड़ा डैम बन रहा है, जिससे भारी मात्रा में यहाँ के किसानों को, किसी भी वर्ग का हो, SC ST OBC, किसी भी वर्ग का हो, सबको नुकसान पहुंच रहा है, जो कि अपने घर बार छोड़ के दूसरी जगह उनको स्थापित होना होगा। क्योंकि समस्त ग्रामीणों का निवेदन है और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और वर्तमान विधायक जो गंगा उइके जी है, उन्हें उनका भी स्टेटमेंट है, उनका वीडियो है कि हम इतना बड़ा डैम नहीं बनाएंगे, यहाँ पर छोटे छोटे बैराज बनाएंगे ताकि यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं उनको किसी प्रकार की समस्या नहीं उठाना पड़ेगा। लेकिन आज जैसे ही सरकार में दूसरे CM आए, उनने उस डैम की राशि भी स्वीकृत कर दी और वहाँ के लिए डैम का निर्माण कार्य चालू कर दिया गया, जिससे सभी ग्रामीण, वहाँ निवास करने वाले लगभग 6 पंचायतें आती है, वो सभी लोग परेशान हैं, उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। लोगों ने वोट लेने आए और आज चुपचाप बैठ गए। सारे ग्रामीण लोग आए हैं, समस्त संगठने आए, जितने भी है यहाँ पर, आज इनका विरोध प्रदर्शन है। सबका कहना यही है कि इतना बड़ा डैम बनाने के बावजूद छोटे छोटे बैराज बना दीजिएगा महोदय जी, और समस्त ग्रामीण मिलकर अभी श्री कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन देने जा रहे हैं, और ये नहीं मानते हैं तो समस्त पूरे जितने भी ग्रामीण है बैतूल जिले के लोग,
इनकी आवाज बनेंगे और काम हम नहीं चालू होने देंगे वो जब तक हम, हमारा कहना है अगर आपको डैम बनाना है तो आप छोटे छोटे बैराज बनाइए, इतना बड़ा डैम हमारा पूरा घर परिवार उजड़ रहा है, इतना बड़ा डैम हम नहीं बनने देंगे। और समस्त ग्रामीण यहाँ है, आज कलेक्टर को ज्ञापन देंगे, इसके बाद अगर यहाँ से कोई लिखित में हमको महोदय के द्वारा लिखित में हमको नहीं प्राप्त होता है तो हम बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे और समस्त ग्रामीण यहाँ पर उपस्थित है, आगे की ओर बढ़ेंगे। कितने गांव प्रभावित हैं? करीबन इसमें 5 पंचायत के 8 गांव प्रभावित। विधानसभा चुनाव के लिए क्या आशीर्वाद? विधानसभा चुनाव के पहले यहाँ पे जिला परिषद चुनाव होने वाला आपका भाजपा का सूचित है, बगैर राज्यपाल परंतु मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 14 तारीख को मुझसे जाकर भूमि पूजन किया, इस धोखे में जो भूमि पूजन किया गया इससे गांव वाले आहत हैं कि भाई प्रदेश के मुख्यालय हमारे पीठ थे इसे जाके भूमि पूजन किया, इसलिए विरोध करना है और बांध नहीं बनने का प्रयास कर रहा है।